सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आज की सेशन में जो कि क्वेश्चन आंसर सेशन है, इस सेशन में हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम अलग अलग प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस अपन देखेंगे। ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सेंड कर चुका हूं। जो बच्चे नए हैं वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे तो उनको भी इनकी पीडीएफ सेंड कर देंगे। अब एक एक क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है यहाँ, क्या क्वेश्चन है एक बार आप भी आंसर करने की कोशिश करें, सभी बच्चे आंसर करने की कोशिश करें, आपको पता चले कि आप कितना इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फेटिक यूज ऑफ, यहां से इसको शुरू करेंगे, एम्फेटिक पॉजिटिव यूज ऑफ द ऑपरेटर, ये पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया देखिएगा, विच ऑफ द, ये आपके ऑप्शन है, इनमें से कौन से ऑप्शन में क्या क्या हुआ है एम्फेटिक यूज ऑफ ऑपरेटर, समझ में आ गई। तो दो तीन चीजें हमें इसमें समझनी पड़ेंगी। आप आंसर कर लो इसका क्या आंसर है, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। आपको जो इसमें समझना है वो ये समझना है कि ऑपरेटर क्या होता है। जब तक आप इस पॉइंट को नहीं जानते हैं, जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं ऑपरेटर क्या होता है, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। तो जानते हैं ऑपरेटर क्या होता है, अपन समझने का प्रयास करते हैं ऑपरेटर क्या होता है। देखिएगा, O-P-E-R-A-T-O-R, ऑपरेटर होता है द फर्स्ट ऑक्सिलरी ऑफ द वर्ब फ्रेज। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं, फर्स्ट ऑक्सिलरी, F-I-R-S-T, फर्स्ट A-U-X-I-L-I-R-Y, फर्स्ट ऑक्सिलरी ऑफ द वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज, वर्ब जो फ्रेज होती है उसकी पहली ऑक्सिलरी, पहली ऑक्सिलरी का मतलब पहली हेल्पिंग वर्ब, जिस प्रकार से सेंटेंस लिखा है, ही हैज बीन वर्किंग हार्ड, ही हैज बीन वर्किंग हार्ड, ये सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है। इसमें ऑक्सिलरी कौन कौन है, ये हैज और बीन दोनों ऑक्सिलरी है। वर्किंग इसमें क्या है, लेक्सिकल वर्ब है। आप समझिएगा ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर होता है इसकी फर्स्ट ऑक्सिलरी, और इसमें फर्स्ट ऑक्सिलरी कौन सी है, हैज जो है ये फर्स्ट ऑक्सिलरी है। इस हैज को क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। समझ में आ गई, और समझ लेते हैं थोड़ा। जिस प्रकार से हमारा ये है, ही इज वर्किंग हार्ड, ठीक है। जब हम इसको क्वेश्चन बनाएंगे, इसका भी बनाएंगे तो हैज यहां आ जाएगा, इसका बनाएंगे तब क्या हो जाएगा, इज, ये इस प्रकार से लिख देंगे हम इसको, इज ही वर्किंग हार्ड, क्या लिखेंगे बेटा, ये लिखेंगे इज ही वर्किंग हार्ड, ठीक है। ये जो इज है इसको क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। इसको आप हैज को इधर लाएंगे, ये क्या है, ऑपरेटर है। क्यों कहते हैं इसको ऑपरेटर वो जान लें, क्योंकि ये इंटरोगेशन क्वेश्चन बनाने के काम आता है और ये निगेशन नेगेटिव बनाने के काम आते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। क्या ये समझ में आई बात आपके, ऑपरेटर क्या होता है। जिस प्रकार से विल ही बी देयर, क्या वो वहां होंगे, इसमें विल क्या है, ऑपरेटर है। विल क्या है, इसमें ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर समझ गए आप लोग, चलो ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिएगा, एक होता है डमी ऑपरेटर, क्या होता है, डमी ऑपरेटर होता है, डी यू डबल एम वाई, डमी ऑपरेटर। डमी ऑपरेटर कौन होता है, डमी ऑपरेटर होता है डू, डी ओ, डू को डमी ऑपरेटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है देखिएगा, ये ही वर्क्स हार्ड, ये क्वेश्चन आपका, ही वर्क्स हार्ड ये स्टेटमेंट है। जब आप इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो यहां कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन
अब इसको जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब यानी ऑपरेटर की आवश्यकता होगी, और वो ऑपरेटर कौन सा होगा आपका, इस प्रकार से ये होगा डज ही वर्क हार्ड, ये बनेगा आपको, क्या बनेगा, डज ही वर्क हार्ड। तो यहां ये जो डज है, एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ये जो आपका डज है ये क्या है, ऑपरेटर है, ये डू क्लास का है, ठीक है, तो इसको कहते हैं डमी ऑपरेटर। जिस प्रकार से ये होता कि दे, ये ऐसे होता दे वर्क हार्ड, इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, डू डू दे वर्क हार्ड, यही बनेगा, डू दे वर्क हार्ड, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये जो डू है ये आपका क्या है, ऑपरेटर है, लेकिन ये इस प्रकार का ऑपरेटर नहीं है, कैसा ऑपरेटर नहीं है, इज प्रकार का ऑपरेटर नहीं है, हैज प्रकार का ऑपरेटर नहीं है, ये डमी ऑपरेटर है, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज है, यहां कोई मीनिंग नहीं है। किस लिए यूज हुआ इसका, इसका यूज इसलिए हुआ है कि हमें क्वेश्चन बनाना है, हमें इंटरोगेशन करना है, इसलिए हमने इस डू को यूज किया है, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि डमी ऑपरेटर कौन सा है, तब आपको लिखना है डू इज अ डमी ऑपरेटर। तो एक बात हम समझ गए, कौन सी बात समझे भाई अभी तक, हम ये समझे कि ऑपरेटर किसे कहते हैं, बस अभी तक इतना ही समझे हैं ऑपरेटर किसे कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हुआ आपका, देखो अभी क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंफेटिक पॉजिटिव यूज ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर का इंफेटिक यूज कौन सा है इनमें से, देखते हैं ऑपरेटर के कितने प्रकार के यूज हो सकते हैं, वो लिख लो एक बार पहले यहां। ऑपरेटर टेंस बताने के काम आता है, क्या बताने काम आता है, ऑपरेटर नहीं ऑक्सिलरी, टेंस बताने के काम आता है। दूसरा एस्पेक्ट बताने के काम आता है, एस्पेक्ट। तीसरा मूड बताने के काम आता है, क्या काम आता है, मूड। ये तो बताते ही बताते हैं, इसके साथ जो इनके मुख्य काम होते हैं वो क्या होते हैं, या तो ये इंटरोगेशन करते हैं, आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई, क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन करते हैं, या फिर निगेशन, एन ई जी ए टी आई, क्या करते हैं, निगेशन करते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण इनका काम होता है वो करते हैं इम्फेसाइज, ई एम पी एच ए एस आई एस, क्या करते हैं ये, किसी बात पर जोर देने के लिए भी किसका प्रयोग किया जा सकता है, ऑपरेटर का प्रयोग किया जा सकता है। और यहां देखिएगा, अब अपन इसमें आते हैं, ये सी डज नॉट वर्क हार्ड, यहां ये डज जो है ये क्या है, ऑपरेटर है, इसका क्या काम है, यहां ये डज का क्या यूज है, यहां इन तीनों में से देखिएगा, टेंस बता रहा है, एस्पेक्ट बता रहा है, ये तो ठीक बात है, इससे हमें पता चलता है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का सिंपल टेंस है, एस्पेक्ट कौन सा है, सिंपल है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, ये बातें हमें पता चल गई। अब आपको जो बताना है वो ये बताना है कि इंटरोगेशन, निगेशन और इंफेसिस में क्या बता रहा है ये, तो क्या बता रहा है ये, यहां निगेशन बता रहा है, क्या बता रहा है बेटा, एन ई जी ए टी आई, क्या बता रहा है, निगेशन बता रहा है। पूछा क्या है, एम्फेसिस पूछा है, क्या होता है, एम्फेसिस। इसमें देखिएगा, आई डू विश, यहां ये जो डू है ये क्या है, ऑपरेटर है, वर्ब तो कौन सी है, विश है, तो इस डू का क्या यूज है, यहां इस डू का यूज है एम्फेसाइज करने के लिए यूज हुआ, इसको इस बात पे जोर देने के लिए, आई डू विश, मैं ये विश करता ही हूं, यू वुड लिसन कि आप इस बात को सुनेंगे। ये जो डू का यूज है ये कौन सा यूज है, एम्फेटिक यूज है। और एग्जांपल अपन देखेंगे, आई डू माय वर्क रेगुलरली, इसको कोई भी रेगुलरली नहीं कहेगा, क्या है ये, रेगुलरली है, आई डू माय वर्क, यहां डू जो है ये क्या है, ये ऑपरेटर ही नहीं है, डू यहां ऑपरेटर ही नहीं है, इस सेंटेंस में जो आपको डू दिख रहा है ये ऑक्सिलरी ही नहीं है, ये तो कौन सी वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है, एल ई एक्स आई सी एल, लेक्सिकल वर्ब है। अब लेक्सिकल वर्ब क्या होती है, लेक्सिकल वर्ब मेन वर्ब होती है, और ये यहां मेन वर्ब है, और ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता,
तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही होगा बी। तो इस कॉन्सेप्ट में जो हमने समझा वो इंफेटिक यूज ऑफ ऑपरेटर समझा। एक दो एग्जांपल और देखते हैं इंफेटिक यूज के, जिस प्रकार से आई डू वर्क हार्ड, आई डू वर्क हार्ड। यहां देखिएगा डू कैसा यूज है, ये जो डू है ये इंफेटिक यूज है। इस सेंटेंस में जो डू है, जिस प्रकार से वी डू कंप्लीट आवर सिलेबस, SYLLABS सिलेबस ऑन टाइम, वी डू कंप्लीट। ये देखिएगा वी कंप्लीट भी है, ये हमारी आदत है कि हम सिलेबस टाइम पे शुरू करते हैं। ये जो डू मैंने लिखा है ये इस बात पे जोर देने के लिए लिखा है कि हम अपना सिलेबस कंप्लीट करते ही है टाइम पे, इसलिए ये जो यूज है ये क्या है, डू इंफेटिक यूज ऑफ ऑपरेटर है। इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन ठीक ढंग से क्लियर कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर टू है, एक बार आप ठीक से पढ़ लो इसको, उसके बाद इसका आंसर कीजिएगा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग मेरे साथ साथ इसको पढ़ लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इस प्रकार से आप पे इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे पूछा हुआ है कौन सा सही नहीं है। कई क्वेश्चन तो सिर्फ इसलिए गलत हो जाते हैं कि आप ये नॉट नहीं देख पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऑक्जिलरी वर्ब, तो क्वेश्चन किसके बारे में है, ऑक्जिलरी वर्ब के बारे में है, कि कौन सी बात इनमें से ऑक्जिलरी वर्ब के बारे में सही नहीं है, ये आपसे पूछा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन लिखिएगा, ऑक्जिलरी वर्ब्स आर यूज्ड टू शो, ऑक्जिलरी वर्ब्स क्या काम आती हैं, उनका यूज किया जाता है टू शो द टेंस, क्या बताने के लिए, टेंस बताने के लिए ऑक्जिलरी वर्ब काम आती है क्या, हां आती है, ऑक्जिलरी वर्ब्स हमें टेंस बताती हैं। पिछले सेंटेंस में, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था किस प्रकार से वो हमें टेंस बताती हैं। एस्पेक्ट बताती हैं क्या, हां एस्पेक्ट भी बताती हैं, जिस प्रकार से ही इज गोइंग देयर। ये न केवल हमें टेंस बता रही है, प्रेजेंट का टेंस है, बल्कि ये एस्पेक्ट भी बता रही है कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट का कौन सा एस्पेक्ट है, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट है। क्या हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्जिलरी वर्ब पे वॉइस बताती हैं या वॉइस के लिए काम आती हैं, हां वॉइस के लिए भी काम आती हैं। जब आपको पैसिव वॉइस बनानी होती है तो आपको बी प्लस थर्ड फॉर्म काम में लेनी होती है, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पी ए आर टी आई सी आई पी, क्या काम में लेना होता है बेटा, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल काम में लेना होता है, ठीक है। ही राइट्स स्टोरीज, एस टी ओ आर आई एस, पैसिव वॉइस बना दीजिएगा, क्या करोगे, क्या करेंगे, स्टोरीज आर रिटन, क्या लिख देंगे बेटा, स्टोरीज आर रिटन, ये हो जाएगा। देखिएगा तो ये क्या है, आर ऑक्जिलरी वर्ब है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको वॉइस के लिए भी किसकी यूज होता है, ऑक्जिलरी का यूज होता है। इंफेसिस, अभी लास्ट जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसमें भी देखा कि इंफेसिस के लिए किसका यूज करते हैं, ऑक्जिलरी का प्रयोग करते हैं। मूड बताने के लिए भी, मूड बताने के लिए कैसे, ऑक्जिलरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी ऑक्जिलरी, कौन सी बेटा, प्राइमरी जो ऑक्जिलरी होती है, आप लोगों को ध्यान हो तो आप लोग बताइएगा मुझे कि प्राइमरी ऑक्जिलरी कौन कौन सी होती है, बताओ भी कौन कौन सी होती है। बी प्राइमरी ऑक्जिलरी होती है, बी का मतलब एज, एम, आर, वॉच, वर, बीन, ये सब प्राइमरी ऑक्जिलरीज है। डू प्राइमरी ऑक्जिलरी है, डू में डू, डज, डिड और हैज या हैव कह देते हैं, हैव भी क्या है, प्राइमरी ऑक्जिलरी है, जिसमें हैज, हैव, हैड, ये सब आपकी प्राइमरी ऑक्जिलरीज है, ठीक है। दूसरी होती है मॉडल ऑक्जिलरीज, क्या होता है बेटा, दूसरा होता है मॉडल ऑक्जिलरीज। तो मॉडल ऑक्जिलरीज जो होती हैं वो क्या काम आती हैं, वो मूड बताने के काम आती हैं। क्लियर होगी ये बात भी, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्या है, सही है,
इस स्टेटमेंट में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। आगे देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर नॉट यूज्ड अलोन। ध्यान दीजिएगा, क्या ये बात सही है ऑक्सिलरी के बारे में या फिर सही नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर नॉट यूज्ड अलोन, इनका अकेले प्रयोग नहीं किया जाता है, ये सही बात है। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड टुगेदर विद द लेक्सिकल वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है ये लेक्सिकल वर्ब के साथ काम आती है। कैसे, ये जिस प्रकार से ही इज लिविंग हियर, वो यहां रह रहा है, ही इज, ये जो इज वर्ब है ये किसके लिए है, इस लिविंग जो लेक्सिकल वर्ब है इसके साथ ही यूज होगी, अदरवाइज ये यूज नहीं की जा सकती। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी कैसे नहीं की जा सकती, देखो ऐसे किया जा सकता है, हम लिख सकते हैं, उन बच्चों के दिमाग में आ सकती है बात कि सर हम तो ऐसे लिखेंगे ही इज अ डॉक्टर, ये लिखेंगे ही इज अ डॉक्टर, ऐसे लिखेंगे और कहेंगे सर देखो इज हमने यूज किया, ये ऑक्सिलरी नहीं है बेटा, इज यहां ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, इज यहां लेक्सिकल वर्ब है, इज यहां मेन वर्ब है और ऑक्सिलरी नहीं है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब को आप मेन वर्ब के साथ ही यूज करेंगे तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसको अकेली यूज नहीं किया जा सकता। तीसरा देखिएगा, एन ऑक्सिलरी वर्ब डज नॉट प्रोवाइड ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन। क्या कह रहा है, डज नॉट प्रोवाइड ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन, क्या ये बात सही है, नहीं ये बात सही नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब का जो होता है वो क्या करती है, इट प्रोवाइड्स ग्रामेटिकल एंड फंक्शनल इंफॉर्मेशन अबाउट मेन वर्ब। क्या करती है, ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन देती है और क्या देती है, फंक्शनल इंफॉर्मेशन देती है। ये काम किसका होता है, तो ये दे रही कि नहीं दे रही, देखो ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन ही है ये, टेंस बताना, एस्पेक्ट बताना, वॉइस बताना, मूड बताना, इंटरोगेशन करना, इम्फेसाइज करना, निगेशन करना, ये सब क्या है, ऑल दीज आर ग्रामेटिकल एंड फंक्शनल, ये सारी चीजें ग्रामेटिकल और फंक्शनल इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में, किसके बारे में, ऑक्सिलरी के बारे में। और देखिएगा आगे, डी ऑप्शन देखिएगा आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। बिल्कुल ठीक बात है, ऑक्सिलरी वर्ब्स को क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसकी हेल्प करती हैं, ये किसकी हेल्प करती हैं, ये मेन वर्ब यानी लेक्सिकल की हेल्प करती है, ये होती है मेन वर्ब, जिसको आप लोग क्या कह सकते हैं, लेक्सिकल वर्ब की हेल्प करती हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, तो इसका सही जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप में से कितने बच्चों ने सी आंसर सही किया है ये आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, ये जो ऊपर वाली लाइन है पहली लाइन कि ये क्या क्या काम करते हैं टेंस एस्पेक्ट वगैरह से, यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब पे। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है ये देखिएगा, ये क्वेश्चन पैसिव वॉइस से रिलेटेड है, पैसिव वॉइस पे भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, 2013 की जब एग्जाम हुई थी आरपीएससी ग्रेड सेकंड, तब इस प्रकार का सेम क्वेश्चन नहीं है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, आप चाहें तो पेपर देख सकते हैं। क्या क्वेश्चन है आप देखिएगा, आई विल गेट पेड ऑन फ्राइडे इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पहला ऑप्शन है एक्टिव वॉइस, क्या ये क्वेश्चन एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है, क्या ये क्वेश्चन पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है, या फिर यूज ऑफ इरेगेटिव इंस्टीड ऑफ पैसिव, पैसिव की बजाय इरेगेटिव वर्ब का यूज है, समझेंगे क्या होती है इसको भी डिटेल से जानेंगे, और यूज ऑफ इंटेंसिटिव वर्ब, तो किसका एग्जाम्पल है ये आप लोग बताइएगा, इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए। आई विल गेट पेड ऑन फ्राइडे, ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव का है या फिर पैसिव का है या फिर किसका है, इसमें जो वर्ब यूज हुई है वो किस तरह की है, इरेगेटिव यूज है या फिर ये इंटेंसिटी वर्ब है, आपको ये आंसर करना है। ठीक है,
कर दिया होगा अब तक, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसका सही आंसर जो है वो है पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस का एग्जांपल है। पैसिव वॉइस का एक तरीका क्या होता है, वैसे पैसिव वॉइस होती क्या है समझेंगे। पैसिव वॉइस होती है बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, PARTICIPL। थोड़ी देर पहले हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें भी देखा था बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी बी प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, पैसिव वॉइस होती है। कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस लीजिएगा जिस प्रकार से द स्टोरी वॉज रिटन, ये सेंटेंस है द स्टोरी वॉज रिटन। देखिएगा है क्या इसमें बी, ये बी है आपकी और ये क्या है पास्ट पार्टिसिपल है, बी प्लस थर्ड फॉर्म है, ये आपकी क्या है पैसिव वॉइस है। हम सब जानते हैं कि पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म है। ही विल बी रिवॉर्डेड, बी प्लस क्या है थर्ड फॉर्म है, क्लियर है। एक तरीका और होता है पैसिव वॉइस का, वो होता है गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, गेट प्लस पास्ट PARTICIPL, गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल भी क्या होती है पैसिव वॉइस होती है। जब बी के स्थान पे किसका प्रयोग किया जा सकता है, गेट का प्रयोग किया जा सकता है, किसके स्थान पे, बी के स्थान पे, यानी इज एम आर वॉज वर्क के स्थान पे आप किसका प्रयोग कर दें, गेट का प्रयोग कर दें, तब भी वो सेंटेंस किसका माना जाता है पैसिव वॉइस का माना जाता है। इसमें देखिए क्या है, आई विल गेट पेड होना क्या चाहिए था, आई विल बी पेड, ये था यहां आई विल बी पेड, इस तरीके से लिखा जाना चाहिए था आई विल बी पेड, और बी के स्थान पे हमने क्या लिख दिया आई विल गेट पेड। तो ये भी एक तरीका होता है क्या करने का, पैसिव वॉइस बनाने का, ठीक है। सी विल गेट इनवाइटेड, सी विल, ये सेंटेंस है सी विल गेट इनवाइटेड, INVITED, सी विल गेट इनवाइटेड, ठीक है। क्या है देखिएगा, ये सेंटेंस आपसे पूछेंगे ये कैसा सेंटेंस है, एक्टिव का है कि पैसिव का है। देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है सी विल गेट इनवाइटेड, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये सेंटेंस एक्टिव का है कि पैसिव का है। तब आप कहेंगे सर इसमें तो हमें लगता है एक्टिव का है, जबकि एक्टिव का नहीं है, ये किसका है पैसिव का है। ये सेंटेंस पैसिव का क्यों है ये देखिएगा, क्योंकि इसमें गेट प्लस क्या है थर्ड फॉर्म है, और बी के स्थान पे ये जो गेट लिखा हुआ है ये किसके स्थान पे लिखा हुआ है, बी के स्थान पे लिखा हुआ है। समझ में आएगा एकदम क्लियर। तो बाकी चीजें क्या है, एक्टिव वॉइस का नहीं है ये भी हम समझ गए, जब पैसिव वॉइस है तो एक्टिव कैसे होगी। एक वर्ब और है यहां, इंटेंसिटिव भी नहीं है, नहीं तो पैसिव कैसे बनती, क्योंकि पैसिव तो किसकी बनती है ट्रांजिटिव की बनती है। अब एक वर्ड और है हमारे पास, वो कौन सा है, इरेगेटिव वर्ब कौन सी होती है, थोड़ा जान लेते हैं इरेगेटिव, ERGATIV क्या होता है, बाकी मिटा सकते हैं इसको, इसको रख लेते हैं बस, ERGATIV क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ERGATIV नेगेटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं। ये जो वर्ब होती हैं ये ट्रांजिटिव भी होती हैं और इनट्रांजिटिव भी होती हैं। कैसे होती हैं, जब ये वर्ब पे ट्रांजिटिव होती हैं TRANSITIV तब इनका जो ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान से समझिएगा बेटा, वो जब ये इनट्रांजिटिव होती हैं TRANS तब इनका क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, लेकिन आप इसको समझ जाइएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये वर्ब क्या होती हैं, ट्रांजिटिव भी वर्ब होती हैं, ये वर्ब इनट्रांजिटिव भी होती हैं। जब वर्ब ट्रांजिटिव होगी तो वो अपने साथ क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी या नहीं लेगी, निश्चित रूप से क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। देखिएगा कैसे, I boiled some water, मैंने क्या किया, कुछ पानी बॉइल किया, ठीक है। इसमें ये जो वर्ब है boiled, इस वर्ब के लिए ये some water क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट है,
ये क्या बेटा इसका ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, वाटर बॉइल्स या फिर वाटर बॉइल्स भी, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये सेंटेंस भी है। अब देखिएगा यहां जो वाटर इसमें ऑब्जेक्ट था वो यहां क्या है, सब्जेक्ट है, और अब ये जो वर्ब है ये कैसी बन गई, बॉइल वर्ब कैसी बन गई, इंट्रांजिटिव वर्ब बन गई। क्या समझे बेटा, दोबारा से समझो ठीक ढंग से। इरेगेटिव वर्ब वे होती हैं जो ट्रांजिटिव भी हो सकती हैं, इंट्रांजिटिव भी हो सकती हैं। जब वे ट्रांजिटिव होती हैं तो जब उनका ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, इंट्रांजिटिव में सब्जेक्ट बन जाता है, पैसिव वॉइस बनाने की आवश्यकता नहीं होती इस प्रकार की वर्ब में। कैसे देखिएगा, एक सेंटेंस और देखते हैं अपन। दे स्टार्टेड द मैच, या रेफरी कह सकते हैं, दे कह सकते हैं, दे स्टार्टेड द मैच, उन्होंने क्या किया, मैच शुरू किया। तो मैच स्टार्टेड यहां लिख सकते हैं अपन, मैच स्टार्टेड STARTED एट 340, ऐसा लिख देते हैं कोई भी सेंटेंस। अब देखिएगा ये वर्ब यहां स्टार्ट है, कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट है मैच। उन्होंने मैच कब शुरू किया, जब भी किया, लेकिन इस वर्ब के लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहां देखिएगा ये आपका ये ऑब्जेक्ट यहां क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। यहां ये वर्ब कैसी थी, ट्रांजिटिव वर्ब थी, यहां ये वर्ब कैसी हो गई, ये वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो इस प्रकार की जो वर्ब होती हैं उनको क्या कहते हैं, इरेगेटिव वर्ब्स कहते हैं। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्री क्लाउड्स सराउंडेड द आइलैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो क्वेश्चन है ये लिटरेचर का है, और लिटरेचर में फिगर्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है। हमने ये तय किया था कि हम इस जो क्वेश्चन आंसर सेशन है इसमें न केवल ग्रामर के बल्कि लिटरेचर के क्वेश्चंस भी रखेंगे, ताकि एक बैलेंस बना रहे और सभी बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। तो ये लिटरेचर का क्वेश्चन है, और फिगर ऑफ स्पीच में आपको बताना है कि कौन से फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन आपके पास है, एंग्री क्लाउड्स सराउंडेड द आइलैंड, यहां से पता चलेगा आपको इस फ्रेज से, एंग्री क्लाउड्स, यहां से आपको पता चलेगा कि कौन से फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। पहला जो ऑप्शन है आपका वो है अपोस्ट्रोफी, क्या ये अपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल है, आपको पता होना चाहिए अपोस्ट्रोफी क्या होता है। जो इससे पहले वाला हमारा सेशन था क्वेश्चन आंसर सेशन जो लास्ट संडे को हमने किया था, उसमें मैंने अपोस्ट्रोफी को बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर दिया था। क्या ये ऑक्सीमोरॉन, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, क्या ये इसका एग्जाम्पल है, या फिर ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, या फिर ये ऑनोमेटोपियो का एग्जाम्पल है, इनमें से किसका एग्जाम्पल है। हम जान तो लेंगे किसका एग्जाम्पल है, लेकिन इसके साथ साथ हम इन सभी फिगर्स ऑफ स्पीच पे भी चर्चा करेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए, हम इनके बारे में भी बहुत कुछ जान लें। हो सकता है एग्जाम में इनमें से कोई किसी एक के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए। देखिएगा एंग्री क्लाउड्स, ये वर्ड कौन सा है, एंग्री क्लाउड्स, ये जो है ये नॉन ह्यूमन है। क्लाउड क्या है, नॉन ह्यूमन है, HUMAN, निर्जीव है ये, आप ऐसे कह दो इसको, ठीक है। और इसको ये जो आपको क्वालिटी दी हुई है, ये जो इमोशन दी हुई है, ये जो फीलिंग दी हुई है एंग्री होने की, क्रोधित होने की, ये एक ह्यूमन फीलिंग है, HUMAN, ये क्या है बेटा, ये ह्यूमन फीलिंग है, ह्यूमन क्वालिटी है, ये क्या है, ह्यूमन क्वालिटी है, ठीक है। क्या प्रकार का कॉम्बिनेशन है, देखिएगा नॉन ह्यूमन को किसको, निर्जीव को, किस प्रकार की क्वालिटी एट्रीब्यूट की हुई है, किस प्रकार की क्वालिटी दी हुई है, ह्यूमन क्वालिटी या फिर ह्यूमन फीलिंग दी हुई है, समझ में आ रहा है। और जब किसी भी नॉन ह्यूमन को, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को इस प्रकार से उनको क्या दिया जाता है, ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती हैं,
तब जो प्रसोनी जब जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीकरण होता है, जब निर्जीव चीजों को मानव की विशेषताएं दी जाती हैं तब उस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहा जाता है, पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। तो ये जो एग्जांपल है ये किसका है, पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल है। समझ में आ गई, पर्सोनिफिकेशन के और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जिस प्रकार से द स्टार्स आर लुकिंग एट मी, द स्टार्स तारे जो हैं आर लुकिंग एट मी, ठीक है, द स्टार्स आर पीपिंग, पीप यानी होता है किसी चीज से झांकना, तो इस प्रकार की जो क्वालिटीज हैं, जिस प्रकार से द रिवर इज सिंगिंग, रिवर क्या कर रही है, सिंग कर रही है, गा रही है, द ड्यू ड्रॉप्स आर स्माइलिंग, ड्यू ड्रॉप्स जो उसकी बूंदे हैं वो क्या कर रही है, स्माइल कर रही हैं, इस प्रकार की जो एग्जांपल्स हैं वो किसके हैं, पर्सोनिफिकेशन के हैं। आपने एलेजी पढ़ी होगी, एलेजी रिटन इन कंट्रीज टर्म्स ग्रीक की, वहां आपको बहुत सारे पर्सोनिफिकेशन के एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। विलियम शेक्सपियर अपन पढ़ते हैं, विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ पढ़ते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको पर्सोनिफिकेशन के मिल जाएंगे। अब देखते हैं अपन इनके बारे में थोड़ा फिर जान लेते हैं, हालांकि इससे पहला जो सेशन था उसमें मैंने अपोस्ट्रोफी बताया था आपको। अपोस्ट्रोफी क्या होता है कि जब जो चीजें आपके सामने नहीं होती हैं, जो चीजें आपके साथ उपस्थित नहीं होती हैं, वे चीजें जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं उनको यदि आप इस तरीके से एड्रेस करें जैसे वो आपके सामने ही हैं, आपका रिप्लाई करेंगे, तब जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है, अपोस्ट्रोफी होता है। जिस प्रकार से मैं क्लाउड्स को एड्रेस कर रहा हूं कि क्लाउड्स व्हेन विल यू रेन, आप कब बरसेंगे, क्लाउड्स When will you come here? आप यहां कब आएंगे, मैं बादलों को कह रहा हूं, या फिर मानो मैं ट्रुथ को कह रहा हूं, ट्रुथ या सपोर्ट मी, सत्य अब मेरी क्या करो, सपोर्ट करो। तो इस प्रकार के जो एग्जांपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपोस्ट्रोफी के एग्जांपल होते हैं। इसका एक नाम और है इस फिगर ऑफ स्पीच का, एक्सक्लेमेटरी फिगर ऑफ स्पीच किसको कहते हैं, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी फिगर ऑफ स्पीच किसको कहते हैं, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच किसको कहते हैं, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जो एक्सक्लेमेटरी फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है, वो भी कौन सा है, अपोस्ट्रोफी को ही क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें इस प्रकार से लिखा जाता, देखिएगा, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, वेस्ट विंड पढ़ी है आप सब लोगों ने, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, इस प्रकार से लिखा जाता है इसमें, ठीक है, क्या रहता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी फिगर ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। डेथ, एक एग्जांपल और लेते हैं, डेथ वेयर इज योर स्टिंग, STING, इंपॉर्टेंट लाइन है, वेयर इज योर स्टिंग, किसको एड्रेस कर रहा है, सीधा का सीधा डेथ को एड्रेस कर रहा है, ठीक है, ग्रेव वेयर इज योर ग्रेविटी, ग्रेव GRAV, ग्रेव, ग्रेव को एड्रेस करके लिख रहे हैं कबर को, ठीक है। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, वो अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। हमने ऑड ऑन ग्रेसियन अन भी पढ़ी थी, कौन सी पॉइंट पढ़ी बेटा, ग्रेसियन अन, तो उसकी शुरुआत भी किससे हुई थी, अपोस्ट्रोफी से शुरुआत हुई थी। जितनी भी ऑड्स हैं वो किससे शुरू होती हैं, अपोस्ट्रोफी से शुरू होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि ऑड एड्रेस करके लिखी जाती है, ऑड किसी को एड्रेस करके लिखी जाती हैं, और ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जो एड्रेस के लिए यूज किया जाता है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कॉन्ट्रास्ट पर आधारित होता है, किस पे, कॉन्ट्रास्ट पे, CONTRAST, किस पे आधारित होता है बेटा, कॉन्ट्रास्ट पे आधारित होता है, विरोधाभासी चीजें होती हैं, और कॉन्ट्रास्ट पे आधारित तीन फिगर ऑफ स्पीच आपको जाननी चाहिए। पहला कौन सा, पहला आपको जानना चाहिए पैराडॉक्स, PARAD, पैराडॉक्स आपको पता होना चाहिए, दूसरा ऑक्सीमोरॉन आपको पता होना चाहिए, और तीसरा एंटीथेसिस, ठीक है। ये तीनों फिगर ऑफ स्पीच आपको जाननी चाहिए, इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये जानना चाहिए। इससे पहले वाली क्लास में भी हमने जिक्र किया था, आज भी थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं, ऑक्सीमोरॉन क्या होता, देखिएगा
ये होता है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स। किसका कॉम्बिनेशन होता है? सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, एस ई एस, सेल्फ कॉन्ट्रा, सी ओ एन टी आर ए डी आई सी टी ओ, कॉन्ट्राडिक्टरी, खुद में ही विरोधाभासी शब्द आपको नजर आएंगे। जिस प्रकार से होता है बीटर स्वीट, बी आई डबल टी आर, बीटर स्वीट, ये किसका एग्जाम्पल है? ये ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक्टिव आइडलनेस, एक्टिव ए सी टी आई वी, एक्टिव आइडलनेस, आई डी एल ई एन ई डबल एस। ठीक है, परफेक्ट इम्परफेक्शंस, परफेक्ट पी ई आर एफ सी, परफेक्ट होता है वैसे इसका सही ट्रांसक्रिप्शन, परफेक्ट, परफेक्ट इम्परफेक्शंस, आई एम पी ई आर एफ ई सी टी आई एन, ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये किसके हैं? ऑक्सीमोरोन के एग्जाम्पल हैं, पैराडॉक्स के नहीं है। पैराडॉक्स कुछ अलग होता है जिसको हम पहले आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद देखिएगा एक फिगर ऑफ स्पीच और है इसमें, ऑनोमेटोपिया, ये क्या होता है? देखिएगा इसमें होता यू है, ऑनोमेटोपिया में जो वर्ड्स होते हैं वे इंडिकेट करते हैं साउंड को, जिस साउंड को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। जब इसके आप डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या कहेंगे कि वर्ड्स, शब्द जो होते हैं इंडिकेट, वे इंडिकेट करते हैं द साउंड, उस साउंड को दे डिस्क्राइब, डी एस सी आर आई बी, दे डिस्क्राइब। ध्यान से समझिएगा चीजों को, जो शब्द यूज होता है वो उस साउंड को इंडिकेट करता है जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है। यानी आपको शब्द सुन के ही, शब्द पढ़ के ही आपको लगेगा किसका मीनिंग क्या है। जैसे टिक टॉक ऑफ द वॉच या क्लॉक, जो भी आप कहेंगे टिक टॉक, घड़ी क्या कर रही है? टिक टिक कर रही है, तो आप लिखेंगे टी आई सी टिक टॉक, टी ओ सी टिक टॉक। तो टिकटॉक से आपको लग रहा है कि इसकी साउंड कैसी होगी, टिकटॉक की जैसी साउंड होगी। ठीक है, कोई चीज ऊपर से गिरती है थड, ठीक है दम थड, तो इस प्रकार के हमिंग वर्ड्स होते हैं चिरपिंग, चिरपिंग ऑफ द वर्ड्स, हिसिंग वर्ड्स होते हैं, हमिंग वर्ड्स होते हैं, वे सारे किसके एग्जाम्पल्स होते हैं? ऑनोमेटोपिया के एग्जाम्पल होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं, पूछा हुआ है। आप पुराने पेपर्स उठा के देखेंगे, एक बार आप पुराने पेपर्स जरूर देख लें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उसी प्रकार की फिर अपनी तैयारी करें, अनावश्यक कुछ नहीं पढ़ें। ये क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच का है। क्वेश्चन देखिए क्या है, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, इसको अंडरलाइन किया हुआ है, देयर एम्बिशंस आर अलाइक, इसको भी अंडरलाइन किया हुआ है। एक ही वर्ड को दो बार यूज किया हुआ है, द सेम वर्ड हैज बीन यूज ट्वाइस, एक ही शब्द को दो बार यूज किया हुआ है। पूछा यह है कि ये यहां कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और यहां कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये आपसे जानना चाहा है। ये आप तभी बता पाएंगे जब आपने पार्ट ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से ठीक ढंग से समझ लिया है, बहुत सलीके से आपने उसको तैयार कर लिया है, अदरवाइज फिर आप इसमें बड़ी गड़बड़ करेंगे। देखते हैं, पहला ऑप्शन है आपका, आप इसका आंसर कर सकते हैं, आपके पास क्वेश्चंस हैं। पहला ऑप्शन है प्रेपोजिशन और एडवर्ब, यानी ये तो प्रेपोजिशन है और ये एडवर्ब है, ऐसा है क्या? देखेंगे। दूसरे में है ये एडवर्ब बताई हुई है और इसको प्रेपोजिशन बताया हुआ है, तीसरे में इसको एडवर्ब बताया हुआ है और इसको एडजेक्टिव बताया हुआ है, और चौथे में ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब। ठीक है, चलो अब अपन समझते हैं यहां ये वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, समझने का प्रयास करते हैं। ग्रेट माइंड्स थिंक, ये जो आपकी है ये वर्ब है, क्या है बेटा? ये वर्ब है। और अलाइक वर्ड जो है, ग्रेट माइंड्स सोचते हैं एक तरीके से, यानी कैसे सोचते हैं? अलाइक, ये जो अलाइक वर्ड आया है ये थिंक वर्ब के लिए आया है। ठीक है, और वे शब्द जो वर्ब को मॉडिफाई करते हों, वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करते हों, वर्ब के बारे में कुछ बताते हों, उनको एडवर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? एडवर्ब कहा जाता है। ठीक है, एडवर्ब पे एक क्वेश्चन और आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि इनमें से
किसको एडवर्ब मॉडिफाई नहीं करती है या फिर इनमें से किसको करती है? एडवर्ब इज रिलेटेड टू, ठीक है, उसमें क्वेश्चन आता है कि एडवर्ब किस किस को, तो पहला एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करती है, दूसरा एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है, और तीसरा एडवर्ब खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करती है। तो एडवर्ब की जो डिफिनेशन होती है वो ये नहीं होती है कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई करती है, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी, एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई करती है। इनके एग्जांपल्स अपन जब एडवर्ब पढ़ेंगे तब देखेंगे कैसे करते हैं। तो इसका मतलब देखिएगा, ये एडवर्ब है तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है, इसमें तो प्रेपोजिशन बताया हुआ है, आप एग्जाम में ऐसे सोल्व करेंगे। दूसरा देखिएगा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें एडजेक्टिव बताया हुआ है, इसका मतलब ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इन दो में एडवर्ब है, यानी ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो या तो क्या होगा, बी होगा, और या फिर क्या होगा, सी होगा, दोनों में से एक होगा। अब देखिए बी और सी में से अंतर क्या है, बी में तो ये है प्रेपोजिशन और सी में ये है एडजेक्टिव। तो आपको ये पता करना है कि ये जो अलाइक है ये प्रेपोजिशन है या फिर ये एडजेक्टिव है। भाई प्रेपोजिशन होता तो इसके बाद यहां नाउन तो होता कोई, जिस प्रकार से इन द रूम, ऐसे होता कि नहीं होता, होता ना, जबकि यहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या नहीं है, प्रेपोजिशन तो बिल्कुल भी नहीं है, प्रेपोजिशन नहीं है, इसका मतलब ये पक्का क्या है, एडजेक्टिव है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। लेकिन इस प्रकार से हम नहीं मानेंगे, हम इसको एडजेक्टिव क्यों है ये पता करेंगे। ये तो सिर्फ हमने ऑप्शन से देखा एडजेक्टिव क्यों है, देखिएगा सेंटेंस कैसे आपका देखते हैं, अभी इनको मिटा देते हैं पूरा को, उसके बाद इसको देखते हैं। सेंटेंस है देयर एम्बिशंस आर अलाइक, ये सेंटेंस आपका, देयर एम्बिशन AMBITI, The ambitions are alike, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये आपकी वर्ब है, और कौन सी वर्ब है ये, ये लिंकिंग वर्ब है, कॉपुलर, COPUL, कॉपुलर है, या फिर इसको ही क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है। लिंकिंग वर्ब अपने बाद क्या लेती है, या तो नाउन लेती है, या फिर क्या लेती है, एडजेक्टिव लेती है, या फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज लेती है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज तो इसमें है नहीं, ये जो वर्ड है ये क्या है, अलाइक एडजेक्टिव है, ये नाउन भी नहीं है, किसी का नाम तो है नहीं, ये क्या है, अलाइक जो ये है ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्लियर हो गई बात भी? तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन, आशा करता हूं कि आपको ठीक लगा होगा, यदि आपको ठीक लगा तो अपने साथियों तक जरूर से जरूर साझा कर लें। थैंक यू वेरी मच।